राजघाट पुलिस ने हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर राजघाट थाना क्षेत्र के बर्फखाना के पास एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आशिफ जावेद पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी मोहल्ला बनकटी चक थाना राजघाट के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी विनय कुमार सरोज, उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्र, कांस्टेबल गोरख सिंह पवन यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, एक व्यक्ति ने जो है अपने परिवार में अपनी मामी को ही चाकू मारा था। घटना का क्रम इस प्रकार रहा था कि उसने पैसे की मांग की थी, जिस क्रम में जब पैसे नहीं मिले तो गुस्से में आकर उसने चाकू मारा था, दाहिनी तरफ चाकू लगा था पेट में, उसी क्रम में इसे गिरफ्तार किया जा रहा। आसिफ जावेद है, पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी मोहल्ला बनकटी चक थाना राजघाट, इसको गिरफ्तार किया गया है। आज 1:30 बजे बर्फखाना के पास से गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको जेल भेजा जा रहा है और इसके पास से जो है जो एक अलगत नजायज चाकू बरामद हुआ है। इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, अभी दो मुकदमे हैं, 274/21, 275/21, 307, 323 और 4/25 आम सेट का मुकदमा है। गिरफ्तारी बर्फखाना से हुई है 1:30 बजे।